आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के बाद अब आरबीआई के निशाने पर एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा भी आ गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक के बोर्ड को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बैंक ने शिखा शर्मा को जून 2018 से चौथा कार्यकाल देने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। बताया जाता है कि पत्र में बैंक के प्रदर्शन और संपत्ति की गुणवत्ता खराब होने का भी जिक्र है। बैंक ने पिछले साल शिखा शर्मा को चौथा टर्म ऑफर किया था। इसे संकेत मिलता है कि आरबीआई बैंक के सीईओ की नियुक्ति को लेकर आगे सख्ती कर सकता है। शिखा शर्मा की दोबारा बहाली पर सवाल खड़े होने पर बैंक ने सफाई दी है। एक्सिस बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि बैंक में सीनियर्स की नियुक्ति के लिए एक नियमित प्रक्रिया है और बैंक अपनी सिफारिशों को नियामक की मंजूरी के लिए भेजता है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही किसी फैसले पर अमल होता है। शिखा शर्मा की दोबारा बहाली के मामले में भी यही प्रक्रिया चल रही है। शिखा शर्मा ने 2009 में एक्सिस बैंक की कमान संभाली थी और अभी सीईओ के तौर पर उनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। हालांकि ये कार्यकाल मई के अंत तक ही है। शिखा का चौथा कार्यकाल जून से शुरू होगा। एक्सिस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में पिछले 3 साल में 300% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2009 में बैंक का एनपीए 1173 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2017 तक बढ़कर 25,001 करोड़ रुपए तक हो गया था। निकिता अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।